बेसिकली इस फिल्म की कहानी है बच्चे जो बच्चे यतीम होते हैं वो बच्चों के लिए एक अनाथालय आश्रम के नाम से कई लोग अनाथालय चला रहे आश्रम चला रहे उस तरह से इस बच्चे की कहानी है कि ये बच्चे अनाथालय और आश्रम में तो नहीं जाके इन बच्चों का किडनैप होकर इनसे भीख मंगवाई जाती है बेसिकली ये उस तरह का सब्जेक्ट है। ये सॉरी डैडी टाइटल इस तरह का है कि एक बच्चा एक पुलिस ऑफिसर से इस तरह का सवाल करता है कि सारे पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं, मतलब उस बच्चे को ढूंढने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो। जब वो बच्चा एक पुलिस ऑफिसर ढूंढता है तो बेटी अपने बाप से बोलती है कि सॉरी डैडी आप सही हैं हम गलत थे। मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहा हूँ। नहीं नहीं पॉजिटिव है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस की छवि खराब तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और हर तबके में उस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस हो आम आदमी हो, तो पुलिस की छवि को खराब नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इसमें एक पुलिस ऑफिसर की ऐसी कहानी है कि एक पुलिस ऑफिसर सच्चा इंसान है जो किसी भी कीमत पर इस तरह के धंधे नहीं होने देगा, जैसे नशे के और किडनैपिंग के, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। ऑफिसर आपने चूज किया है, ऑलरेडी कई फिल्मों में रिपीट किया गया है, भिखारियों को कभी आंख निकाली जाती है तो एक गैंग चलता रहता है, तो रिपीट आप नहीं समझते कि एक फिल्म के लिए लाभदायक होगा या प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है? नहीं, रिपीट आपके हिसाब से सही सवाल है कि रिपीट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से रिपीट नहीं है, टोटली डिफरेंट कहानी है। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं अपनी फिल्म को, उस तरह से हम भी बोल रहे हैं, लेकिन हम ये फिल्म जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि डिफरेंट कहानी है। चलिए, धन्यवाद।